नमस्कार दोस्तों, आज है 22 फरवरी और आज मैं आपको अपनी थोड़ी सी ना शॉपिंग दिखाऊंगी। मैंने अपने गार्डन के लिए कुछ खाद खरीदी है, तो कंपोस्ट खरीदी है और मेरी अपनी जो पुरानी मतलब घर की बनी हुई खाद थी, मैंने भी आप लोगों को दिखाई भी थी, इस पर वीडियो बनाया था, तो वो क्या हुई ना कि सब की सब ख़त्म हो गई। और क्योंकि अभी इसको मैं तैयार कर रही हूँ, आप यहाँ देख रहे हैं ना, पत्ते भी देख रहे होंगे, ये ग्रो बैग अपना तैयार हो रहा है, क्योंकि मेरे जो सीडलिंग्स हैं, सीड्स हैं जो मैंने समर्स के लिए लगाई हैं, तो उनमें से ना कुछ अभी जर्मिनेशन बस उनका स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, जैसे ये खीरे का है, इधर थोड़े थोड़े से, और सभी परमानेंट प्लांट्स में भी इस टाइम खाद देने का टाइम चल रहा है, और मतलब परमानेंट प्लांट्स में खाद भी देने का हो रहा है, इसके अलावा रूट प्रूनिंग का भी कार्य मतलब जो ये कार्यक्रम मैं कर रही हूँ, मैं क्या बल्कि आप सभी लोग कर रहे हैं बाकायदा। आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप लोग बता भी रहे हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या प्लांट जो है वो रिपोर्ट कर लिए। तो इन सब चक्करों में ना जो खाद है वो बहुत इस्तेमाल हो रही है। तो ये देखिए, ये एक बोरी बिल्कुल अभी मैंने कल ही इसको खोला है और कल मैंने उसमें टिकोमा में डाला था। तो ये वाली जो बोरी मिली है ना, ये 100 रुपये की बोरी है, और ये इसमें जो है पता नहीं क्या, वो वैसे तो बोलते हैं कि इसमें सब चीज़ें खाद मिक्स हैं, पर ये मुझे ना ये गोबर खाद लगती है, सड़ी हुई। मुझे मुझे आप मैं आपको सही बताऊं तो मुझे वही लगती है बिल्कुल। हाँ, ये है कि सड़ी हुई बिल्कुल गोबर खाद है। तो 100 रुपये की है, और मज़ेदार बात यह है कि इसमें कहीं कुछ भी वेट वज़न जो है ना नहीं लिखा है, पर दाम तो ऐसे बड़ा बड़ा करके लिख रखा है। ये देखिए 350 रुपये, पर ये 100 रुपये की मिली है, और ये करीब 10 से 15 किलो का इनका वो रहता है, ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये हो गई बोरी, और दूसरा मैंने लिया है, आपको मैं दिखाऊँ, ये बहुत अच्छी है, ये सबसे मतलब ये है एक्चुअल में वर्मी कंपोस्ट। मैं आपको ना थोड़ा सा अच्छे इसको दिखाती हूँ फाड़ के, ये देखिए ये है केचुआ खाद। तो ये इस तरीके से होती है, और जैसे हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इसको 40% यूज़ करते हैं, लेकिन इसको क्या है ना, इसको अगर हम 20% इसको मिक्स कर ले तो ये मतलब थोड़ी में ही काम चल जाएगा। उसको अगर हम 4 मुट्ठी कर रहे हैं तो इसको हम 2 ही मुट्ठी करेंगे। और अभी तो आप समझिए कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी प्लांट्स इंडोर रखे ना, उनमें मैं वैसे भी बहुत ही कम खाद देती हूँ, मैं ज़्यादा उनमें देती नहीं हूँ, कुछ में दूंगी तो इसी को ही दे दूंगी, ठीक है। तो वो फिर आपको वीडियो में बाद जब बनाऊंगी ना तब बता दूंगी। और घर वाली तो अभी मैं फिर से भी एक नया वो तैयार कर रही हूँ, नई वाली जो है ना खाद मेरी, अभी आपको दिखाऊंगा उसमें तैयार हो रही है। और चलिए अब आपको बताऊँ क्या क्या और लिया। तो ये तो देखिए नीम केक पाउडर है, नीम खली पाउडर है एक, ये जहाँ से मैंने लिया है ना वही गुप्ता बीज भंडार से लिया है। अच्छा, ये इसका दाम बता दो, ये जो है 5 किलो है 60 रुपये की, 60 की है, मतलब 5 किलो है, मुझे ये सही लगती है, बहुत सही रहती है वाली। और ये है ये मस्टर्ड केक है, मतलब बाकी जो जैसे मेरे घर के आसपास में जो जहाँ से लेती हूँ ना, वो तो बड़ा महंगा देते हैं, वो 60-60 रुपये का एक पैकेट देते हैं 1-1 किलो का, वहाँ से ये 30 रुपये का एक मिला है, मतलब ये 60 रुपये में मुझे 2 मिल गए हैं। और इधर घर के पास वास में तो फिर वो एक ही मिलता है 60 रुपये में। तो एक छोटा सा ये पॉट बस ऐसे ही ले लिया, एक्चुअल में मुझे पॉट उतना लेना नहीं था पर ले लिया बस। तो ये ना बहुत सारे वो तैयार हो गई हैं मनी प्लांट की ना, उसमें पानी में कटिंग्स तैयार हो गई हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको विंडो पे ना रूम के अंदर रख दूँगी, वो कटिंग सब लगा दूँगी इसी में ही, बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए। तो ये ना लिखा तो देखिए इस पर है 49 लिखा है इन्होंने, है ना, लेकिन 6 इंच का है, लेकिन ये 25 रुपये का है, 25 का है। और आपको मैं बताऊं, ये जो प्रेशर वाला पंप है, ये तो खैर मैंने वहाँ से लिया है ना, वो जो विशाल मेगा मार्ट होता है, मैंने वहाँ से ये लिया था। मेरे पहले का था ना, उसकी शायद वो ख़राब है, इसका जो वॉशर होता है ना वो ख़राब हो गया है, अब वो उस छोटे मोटे काम के लिए समझ में नहीं आता किधर से बनाओ, तो ये मुझे सही लगा। और
जब भी आप इसको इस टाइप के प्रेशर वाले पंप को ख़रीदिएगा ना, तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ये बड़ा उसमें चक्कर होता है। आप अच्छे से वहाँ पे देख लीजिएगा कि इसके अंदर हवा अच्छे से प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं तो फिर वो चेंज वेंज भी ये सब चीज़ें होती नहीं हैं और फिर वो ख़राब चली आती हैं। अब आपको मैं बताऊँ मैंने इसको क्यों लिया है। चलिए अच्छा पहले और चीज़ें दिखा दो, फिर बताती हूँ कि मैंने इसे क्यों लिया है। और ये देखिए ना, कोकोपीट मेरे पास पहले से थी, है अभी भी बहुत सारी रखी है, लेकिन मैंने फिर से ले लिया क्योंकि वो होता है ना, दूर हम कहीं जा रहे होते हैं तो फिर बार बार जाना नहीं होता है ना, तो मैंने कहा चलो रखी रहेगी ये वाली ब्रिक। ये है ब्रिक, 1 किलो की है, 80 रुपये की है, 80 रुपये की 1 किलो है, और धो के ही वॉश करके यूज़ होती है, करनी होती है। ये देखिए ये मेरी पुरानी है, इसको मैंने अभी अच्छे से धोना है फिर यूज़ करूँगी, तो है पहले से लेकिन फिर भी ले लिया है क्योंकि देखिए बास्केट से या फिर हम हैंगिंग कुछ भी बनाते हैं तो चाहिए होती है लाइट मिट्टी चाहिए होती है। दूसरा क्या है ना, छत पर जैसे हम यूज़ करते हैं तो छत पर लोड नहीं पड़ता है इस जो कोकोपीट हम यूज़ करते हैं तो, और बाकी कटिंग है, सीड्स हैं, इन सब के लिए तो यूज़ होती है। फिर क्या होता है ना, कई बार ये भी होता है कि मिट्टी नहीं होती ना हमारे पास, कम मिट्टी होती है तो फिर हम कोकोपीट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और 1 किलो का ये मैं ले आई हूँ। एप्सम सॉल्ट बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, लेकिन यह है कि आजकल थोड़ा रिपोर्टिंग उपोर्टिंग करनी पड़ती है ना, तो अच्छा। और आपको मैं दिखाऊँ ये कितने का मिला है, ये भी ऐसे ही 90-90 रुपये का मिला है, 80। एक मिनट चेक करती हूँ। हाँ ये देखिए, ये है ना, ये 90 का ही है, ठीक है। इसको खोलूँगी नहीं, इतना इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा कभी कभी करती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये ना 2 सीड्स लाई हूँ, ये कोचिया के सीड्स हैं। ये देखिए कोचिया बहुत अच्छा लगता है गर्मी में, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं लोबिया के फिर से ले आई, लोबिया का जो है ना, ये देखिए हाइब्रिड वाले लिया करिए, थे उसके पास दोनों हाइब्रिड सीड्स हैं, ठीक है। और इस पे MRP तो कहीं कुछ नहीं है, लेकिन इस पे है शायद, हाँ इस पे है। तो ये देखिए इस पे तो वैसे तो 35 लिखा हुआ है, ठीक है, पर ये 10-10 रुपए के मिले हैं, ये 10-10 के हैं, मतलब 10 रुपए का पैकेट मिला है ये। और इसमें ना था तो उसमें शायद 15 वाला भी था, 20 वाला भी था, मैं नहीं लाई हूँ ज़्यादा, मेरे पास सीड्स पहले से ही बहुत से रखे हुए हैं, गर्मियों के भी, फूलों के थे, काफ़ी सारे फ्लावर्स के भी थे और सब्जियों के भी थे, लेकिन मेरे पास थे, मैं अभी लगा ही नहीं पाई हूँ इतना। तो एक चीज़ बस चेक कर लिया करिए, इसकी जो ना एक्सपायरी डेट होती है ना वो आप चेक कर लिया करो। जैसे अब इसमें क्या है ना, मार्च है, मार्च 21 ही लिखा है, अब है तो ये देखो आ गया, ये 20 बिल्कुल मार्च आने वाला है, एक्सपायरी है ये, इसलिए हो सकता है उन्होंने भेज दिया हो, जो भी हो। तो जब एक्सपायरी होते हैं ना तो भी कई बार ना जर्मिनेशन हो नहीं पाता, वो बहुत ही पुराना, बहुत पुराना होता है, हालांकि खुला नहीं है पैकेट है वो तो चल जाएगा, तो ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, फॉल्स सीड्स भी होते हैं, जैसे कि मान लो 10 सीड्स हो गए अच्छे वाले बिल्कुल जो सही हैं, और पुराने उसमें 5 और डाल दिए, 5 पर 10 कुछ ऐसे मिक्स करके, तो वो फिर कुछ सीड्स जर्मिनेट होते हैं, कुछ नहीं होते। आप देख करके समझ के लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि भैया अच्छे सीड देना। और ये सब हो गया, अब आपको चलिए बताती हूँ कि मैंने ये क्यों ख़रीदा है। तो मैं ना अब कल आपको एक वीडियो बनाऊंगी फॉलियज वो करने के लिए, स्प्रे करने के लिए। तो वो देखिए आजकल ना हम लोग जैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो परमानेंट प्लांट हैं तो उनको, उनमें जैसे पत्तियां सब झड़ चुकी हैं, उनमें पत्तियां नहीं हैं, ठीक है। तो हम जब रिपोर्ट करते हैं तो मिट्टी में तो हम सब खाद वाद दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं अपनी पत्तियों पर, उन प्लांट्स में जब स्प्रे करते हैं तो उनमें नई पत्तियाँ और अच्छे से ग्रोथ होती हैं और फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। तो मैं वो आपको कल बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ, और बिल्कुल ना ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए जैसे मेरा ये अनार का है, अभी तो फ़िलहाल तो इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें और कुछ भरा भी नहीं है। तो ये सब देखिए, देख रहे हैं ना फ्लावर्स आ रहे हो, बिल्कुल मेरा ये अनार का प्लांट एकदम निगलेक्टेड था, एकदम बहुत टाइम से इसमें कुछ नहीं किया था, ये सारा नई नई पत्तियों से बिल्कुल भर गया है।
तो ऐसे स्टेज में ना हमको कुछ स्प्रे करने की ज़रूरत होती है, तो प्लांट्स में ना नई नई पत्तियाँ भी निकलती हैं। तो ठीक है, चल ये मैं आपको अब मिलती हूँ कल, और बताइएगा दोस्तों कि मैंने कोई चीज़ ऐसी बहुत कॉस्टली तो नहीं खरीद ली। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए मेरे सनफ्लावर्स जो हैं वो बड़े हो रहे हैं अभी। अब ये थोड़ा और बड़ा जब होगा ना तब यहाँ से पिंचिंग करनी होगी। अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, अभी तो बहुत छोटा सा है ये। बाय, थैंक यू। दोस्तों शायद मैंने आपको इसका रेट नहीं बताया, ये है 160 की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि है नहीं मेरे पास, थी नहीं। जैसे ये वाली बॉटल्स है, जैसे हम ऊपर का ये वाला पार्ट खरीद लेते हैं और नॉर्मल हम लोग पास जो बोतल होती हैं उसी में लगा लेते हैं, तो ये सस्ता भी बहुत पड़ता है। लेकिन क्या होता है कई बार भरा रहता है, मतलब इसमें पेस्टिसाइड, जैसे मैंने कोई घर का घरेलू वाला बना के रख दिया। आप देखिए जैसे ये उस दिन एलोवेरा का मैंने आपको बताया था ना, ये वही बचा हुआ है इसमें, तो वो है। अब उस फिर ये खाली नहीं हुआ, अब कुछ मुझे जैसे मान लो कुछ और स्प्रे करना है तो ज़रूरत पड़ती रहती है। तो दो तीन जो है ना ये कम से कम होने चाहिए हमारे गार्डन में। और ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने ले लिया। और इसमें क्या है ना कि एक बार जैसे पंप हुआ अच्छे से तो फिर वो ठीक से सब तरफ से स्प्रे हो जाता है, तो लेकिन ये बड़ी जल्दी जल्दी ख़राब भी होता है, पता नहीं क्यों, मुझे उतना समझ ही नहीं आता, फिर भी मैं ले लेती हूँ। जैसे अब इस तरीके से हमने पूरा ऐसे करके अच्छे से पूरा स्प्रे हो गया, अलग अलग सब तरफ करना नहीं पड़ा, तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। ठीक है, चलिए बाय।